नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय उत्तराखंड में लोक पर्वों से लेकर लोक मेलों की धूम चल रही है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाया गया है पहाड़ी मेला। आइए चलते हैं इस पहाड़ी मेले में और जानते हैं कितना पहाड़ी है ये मेला। तो ये है अंदर घुसते ही मेले का नज़ारा, जहाँ लगाया गया है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पहाड़ी मेला। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे दुकानदारों के पास, बात करेंगे दुकानदारों से और जानेंगे कि कितना पहाड़ राजधानी देहरादून के इस पहाड़ी मेले में पहुंचा है। मेले में अंदर घुसते ही हमारे सामने मौजूद हैं बादाम, किशमिश और कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स। अखरोट भी यहाँ पे प्रमुखता से लगाए गए हैं, बादाम, अखरोट, जिसमें अखरोट साबुत अखरोट भी हैं, छिले हुए अखरोट भी हैं। भाई साहब, कहाँ से लगाए आए हैं आप दुकान लगाने? कश्मीर से सर, कश्मीर से। पहाड़ों से? हाँ हाँ, पहलगाम से सर। पहलगाम, हाँ सर। कैसा है मेले का माहौल? बढ़िया सा है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। खरीदारी कर रहे हैं लोग? हाँ हाँ, हो रहा है। यहाँ के लोग आ रहा है, सुबह से ही ले रहा है। चलिए, मेले में घुसते ही हमें पहला स्टॉल मिला जो कि आया है कश्मीर के पहाड़ों से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने पहाड़ यहाँ पहुँच पाए हैं। दूसरी दुकान है अचार की, चाट की, नमकीन की, पापड़ और यहाँ पर गज्जक भी रखी हुई है। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप लोग? बीकानेर से आए हैं। आप तो बीकानेर में ही पहाड़ होते हैं? नहीं, पहाड़ नहीं होता, रेतीला होता है, रेतीले मैदान से। लेकिन ये पहाड़ी मेला है ना? पहाड़ी मेला है, लेकिन हम अपना आइटम लाए हैं। देखिए, बीकानेर नमकीन हो गई, पापड़ हो गया, अचार हो गया। बीकानेर का नमकीन प्रसिद्ध है, प्योर मोठ दाल की नमकीन बनती है। प्योर मोठ दाल की नमकीन? देखिए, यहाँ पे दुकान लगाने के लिए कुछ सरकार को भुगतान वगैरह भी करना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, हमें हमारी संस्था बनी हुई है, वहाँ पे संस्था के द्वारा यहाँ से नोटिस जाता है। अच्छा। तब हम वहाँ से आते हैं। तो वहाँ से यहाँ। तो चलिए, दूसरा ही स्टॉल भले ही पहाड़ का नहीं हो लेकिन बीकानेर का है और ओरिजिनल दाल मोठ की नमकीन देने का दावा ये कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेले का हाल। तो पहाड़ी मेले में पहाड़ी उत्पाद खोजते खोजते अब हम पहुँचे एक पहाड़ी रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर मुझे मंडवे के बंद भी दिखाई दे रहे हैं। ये मंडवे के बंद है भाई जी, कोदू के? कहाँ से हैं आप और कहाँ है आपकी शॉप वगैरह? भाई साहब, वैसे हम पहले तो मैं आपको नमस्कार, पहले यहाँ पर शॉप हमारी जो भी है सर्वे चौक पे है जी, और रजोभा रेस्टोरेंट न्यू दुनू नाम से है, पहाड़ का स्वाद मंडवे के साथ। वैसे हम चमोली से चमोली के रहने वाले हैं। मंडवे की आपने खास बंद बनवाए हैं स्पेशल, मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक्चुअली भाई साहब, जो हमारी ये सोच थी कि मंडवे को प्रमोट किया जाए, एक ब्रांड, इसको एक वैल्यू दी जाए मार्केट में। जैसे आजकल लोग देखते होंगे आपकी हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी मार्केट में, तो हमने सोचा इसको क्यों ना हम वैल्यू दें। हाँ, चमोली की खीर है ना, ये चाय बननी चाहिए, मंडवे की चाय है। तो ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये बन रही है स्पेशल मंडवे की चाय, जो मिलेगी सिर्फ पहाड़ी मेले में या आपकी दुकान में। हाँ जी सर, न्यू दून स्पाइसेस में। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद कि आप पहाड़ी उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी भाई, पहले भी आपका बहुत धन्यवाद, आपका भी, जो आप यहाँ पर आए, आप लोगों ने कोशिश की दिखाने की। अभी हम ये चाहते हैं कि मतलब आप जैसे आप लोगों के माध्यम से बड़े लेवल पर जाए, एक नेशनल मार्केट मिले इसको, वो आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा माध्यम है इन चीज़ों के लिए। क्योंकि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों का बहुत बड़ा होता है, महत्व होता है, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और माध्यम आप हो बस। लोगों को शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आप किसी दूसरे स्टॉल पर। चलिए, मंडवे के बर्गर के बाद और आगे बढ़े हैं हम, जहां पर पहाड़ी उत्पादों में मंडवा, गत की दाल, कुनत की दाल, अरे वाह, यहां पर तो अरसे भी रखे हुए हैं, और तिल और झंगोरा वगैरह इत्यादि, ये सब आपको उपलब्ध है आपके लिए पहाड़ी मेले में, जो लगा हुआ है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में। दीदी, ककबिटिया आए तुम? कहाँ से आए हैं आप? पौड़ी से। जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर कि आप पहाड़ी उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं और ऊपर पहाड़ों से यहाँ मैदान तक लेकर के आए इन उत्पादों को। पहाड़ी मेले में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं एक अलग स्टॉल पे, जहाँ पर कुछ दीदी भूली हैं जो पकौड़ी बना रही है। कौन सी पकौड़ी बना रहे हैं आप लोग? ये उड़द की दाल की पकौड़ी बन रही है। हाँ, मैं दिन में खा के गया था, आपकी पकौड़ी बहुत स्वाद थी, इसके लिए तो धन्यवाद आप लोगों का। इसमें चटनी, तिल की चटनी और भंगले की चटनी भी रखी है साथ में। अच्छा, तो आपने तो टेस्ट कर ली जी, बिल्कुल। अब आपको कैसा लगा? तो मुझे पकौड़ी तो बहुत शानदार लगी, पर चटनी में काफी कमी आया, क्योंकि मेरी बुआरी बहुत अच्छी बनाती है। अपने कैमरा मैन से कहूंगा इधर आगे दिखाएंगे जो पकौड़ियाँ इन्होंने बनाई हुई है, देख सकते हैं आप पकौड़ी छोटी छोटी। हमारे पहाड़ की पारंपरिक पकौड़ियाँ हैं जो बार त्यौहार में बनाई जाती हैं, वो अब पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंची हैं और मेलों में एक आकर्षण का रूप ले रही हैं, जो कि एक बड़ी ही सुंदर पहल है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और इन सहायता समूह द्वारा भी। ये गढ़हितेशी स्वयं
गढ़ हितैषी स्वयं सहायता समूह है जिसके द्वारा ये प्रयास किया गया। और राजधानी देहरादून में जो पहाड़ का पारंपरिक भोज है, ये हमने आपको खुशकाल जी की रसियान में भी दिखाई थी ये पकौड़ियाँ, और वही पकौड़ियाँ आज यहाँ पर भी मौजूद हैं। देखिए इन पकौड़ियों के ऊपर छोटे छोटे तिल लगे हुए हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से इन पकौड़ियों को बनाया जाता है। और पहाड़ के शुभ अवसरों में, तीज बार कारज में इनका बहुत बेहद और बहुत उपयोगी ये मानी जाती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दीदियों, आप लोग संस्कृति को हमारा बढ़ा रहे हैं, हमारे पहाड़ी उत्पादों को एक रूप दे रहे हैं, बिल्कुल बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। हम दिन में बाड़ी भी बनाएंगे, अच्छा चैसू भी बनाएंगे और फाड़ू भी बनाएंगे, जरूर आएंगे। जी जी, बहुत सुंदर, जी जी जी, अच्छा आलू का स्वाद बढ़ला और साथ में पकौड़ी तो बढ़ने बढ़ने लगे। हाँ, मुख्य उद्देश्य हमारी हो कि हम अपना प्लान थे रोकू और हमारा जो नौजवान प्रदेश में जाके विस्थापित होना तो ते बचाने काम करना, बहुत सुंदर, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। पहाड़ी मेले में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहुँचे हैं नेपाल के पहाड़ों से राजधानी देहरादून में पहुँची हुई सेल रोटी के पास। और ये आपकी नेपाली चटनी, ये क्या होता है इस चटनी में, क्या क्या डालते हैं? सर ये नेपाली चटनी है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आलू का हो गया है, तिल का हो गया है, और खा चुका हूं एक बार। हाँ जी सर, और काफी लोग का डिमांड भी होता है कि नेपाली डिश हम लोग खाए और एंजॉय करें। इसके साथ सेल रोटी है हमारा, जैसे आप ये देख सकते हो, और वड़ा है हमारा, साउथ इंडियन चटनी है, मोमोज है हमारा, दो किस्म का। कैसा लगा आपको सरकार की ये योजना कि पहाड़ी उत्पादों को प्रचार प्रसार किया जाए? सर ये तो वैसे बहुत अच्छा है और एक मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला है ये लेडीज और के लिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देखो हर में घर में तो हर कोई काम करता है, एक प्लेटफॉर्म इस टाइप का मिल रखा है कि अपना आप जो टैलेंट दर्शाने के लिए। और दून एकता शक्ति, हाँ जी दून एकता शक्ति स्वयं सहायता भी है हमारा, दून एकता शक्ति ट्रस्ट भी है, जो एक प्लेटफॉर्म में लेडीज को एक दर्शाया है कहानी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा उधर दिखाएं किस तरह से बनती है सेल रोटी, हमारे दर्शकों को दिखाएं। और ये देख रहे हैं आप सेल रोटी और ये पकौड़ी भी है, बहुत बढ़िया। तो ये सेल रोटी नेपाल की बड़ी प्रचलित डिश है जो नेपाल में बनती है। अब ये आपको राजधानी देहरादून के पहाड़ी मेले में ही मिल रही है। मोमो तो चाइनीज है, इनको हम देखते भी नहीं, इनको बंद कर दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं और एक और भूली है हमारे पास साथ, और जिन्होंने यहाँ पर एकत्रित किए हैं जोशी मठ की दाल, चकरौता की राजमा, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल ही पूरे लग रहा प्रदेश का जगह जगह से आप लोग यहाँ पर सामान लेके आई हैं। जोशी मठ लाल चावल, ये लाल चावल लिखा आपने लेकिन तो सफेद चावल है। नहीं सर, ये अलग वैरायटी का ना, अलग अलग जगह का होता है, जैसे पुरोला का है, उत्तरकाशी का है, तो अलग अलग वहाँ पे चावल मिलता है तो उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। हमारा टोटली ऑर्गेनिक फूड है, पहाड़ों का समूह है हमारा हिमारोग्य के नाम से, तो वो हमारा समूह एक लेडीज़ों का समूह है जिसमें हमारे ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं आप ये सरकार की जो पहल थी पहाड़ी उत्पादों का प्रचार प्रसार करना और उनको धरातल पर पहाड़ों से निकाल करके मैदानी इलाके में लाना, उसमें लगभग लगता है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री धीरे धीरे ही सही मगर सफल होते जा रहे हैं। आप हमारी टेबल पर देख सकते हैं इस समय जोशी मठ, चकरौता और भी विभिन्न जगहों से यहाँ पर पहाड़ी उत्पाद पहुँचा हुआ है, और जो कि स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया जाता है, पहाड़ की पहाड़ी महिलाओं द्वारा इसकी पैकिंग की जाती है, इनकी सफाई की जाती है, और इस तरीके से पहाड़ी महिलाओं को भी रोज़गार मिल रहा है और स्वयं सहायता जो समूह हैं वो अपने साथ साथ 10 से 15 20 महिलाओं को रोज़गार पहाड़ों में उपलब्ध करवा पा रहे हैं। सर हमारा हेल्थ का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि आजकल सब लोग सिंथेटिक ले रहे हैं, तो नेचुरली सब लोग ले, इस वजह से हम लोगों ने ये समूह बनाया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पहाड़ी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचा सकें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा हमने पूर्व में भी आपसे कहा था कि हमारे पहाड़ों में किसी भी प्रकार का सिंथेटिक किसी भी खेती में यूज़ नहीं होता है, पूर्व तरीके से जैविक खेती हमारे पहाड़ों में होती है, यानी कि ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो ये रहा आपके सामने शुद्ध और असली पहाड़ी अनाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, इसी पहाड़ी मेले में हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और यहाँ पर कुछ दवाइयाँ मुझे दिख रही है, दवाइयाँ हैं या फेस क्रीम है? फेस क्रीम ओटीसी प्रोडक्ट है हमारा, डेजोलो हेल्थ केयर है, जयपुर की कंपनी है मेरी, और इसमें अपना प्रीमियम प्रोडक्ट है, स्पेशली जैसे मेरा फेस वॉश, फेस क्रीम, एलोवेरा जेल है, एक्चुअली क्या सारा प्रोडक्ट हमारा 100 प्योर है। उसके अलावा जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के जाइयाँ या पिंपल्स डार्क हो जाते हैं, उसमें मेरा ये एंटी एक्नी मेरा फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसमें इसमें क्या है, अधिकतर जो एलोवेरा जेल होता है उसमें नीम ऑयल एलोवेरा होता है, इसके अंदर ट्री टी ऑयल है प्लस माइक्रो स्क्रब है जो डीपली क्लीन साफ करता है। दूसरा मेरी कंपनी ने एक ऑफर निकाला हुआ है यहाँ, अगर कोई हमारी कंपनी का इंस्टाग्राम से फॉलो करता तो ये 149 का फेस वॉश और ये 199 का फेस क्रीम, ये मात्र आपको 16 रुपये मिलेगा। क्या
इस पहाड़ी मेले में हम 16 रुपए का दे रहे हैं सर, फॉलो करने पर सर 16 रुपए का दे रहे हैं हम ये कंपनी में। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत बोलना चाहूँगा। देख रहे हैं आप पहाड़ी मेले में जयपुर से आए हुए एक व्यापारी, जिन्होंने स्कीम निकाली हुई है कि अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेंगे तो आपको 116 रुपए की क्रीम सिर्फ 199 रुपए की क्रीम सिर्फ 16 रुपए में मिलेगी। तो ये एक अनोखी स्कीम है इस पहाड़ी मेले में। 53 लोग ले चुके हैं। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए पैक कर दीजिएगा, हम भी फॉलो करते हैं। और मेले में घूमते घूमते हमें मिले हैं मेले के आयोजक प्रीतम शाह जी। प्रीतम शाह जी, इस बार सरकार ने दावा किया है कि हम लोग पहाड़ी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश करेंगे इस पहाड़ी मेले में, तो क्या जानकारी दे सकते हैं आप हमें कि कितने पहाड़ी स्टॉल इस पूरे प्रांगण में लगाए गए हैं? पहाड़ी स्टॉल पूर्ण रूप से जो है, हमने जो एक पूरा का पूरा पैच, जो ये दो पैच हैं, एक में 52 स्टॉल हैं और दूसरे में 20 स्टॉल हैं, मतलब 70 करीबन स्टॉल जो है हमने उत्तराखंड उत्पादों के लगाए हैं, जिसमें से कुछ हस्तकला की चीज़ें हैं, कुछ जैविक पदार्थ हैं, कुछ आप मतलब अन्य अन्य विभागों से, जो भी हमसे जितने भी विभागों से हम इतनी कम टाइम में मैनेज कर पाए हैं, हमने उन सारे विभागों से मेले के आयोजन के लिए हर एक तरीके से जो भी संभव हो पाया हमसे, हमने सारा प्रयास किया। और आप देख सकते हैं तो हमारे पास फूड स्टॉल है पहाड़ी, आप वहाँ पे हमारे यहाँ मैंने देखा प्रीतम जी, वो काफ़ी पीछे आपने लगा रखे हैं आपने, जबकि फ्रंट में आपने कश्मीरियों को बीकानेरियों को आपने फ्रंट पे स्टॉल दिए और हमारे पहाड़ियों को पीछे। नहीं सर, वो हम उसका व्यवस्था कर रहे हैं, हम आगे जो है फ्रंट में कहीं उसके लिए जगह बना रहे हैं, आज कल सुबह तक वो कंप्लीट हो जाएगा और वो सबसे पहले और सबसे आकर्षण जो लगेगा वो हमारे पूरे मेले में पहाड़ी भोजन लगेगा। शुरुआत में जब आपने मेला स्टार्ट किया था, ये चूक हुई है आप लोगों से? ये पूरी तरह चूक हुई है, थोड़ा सा जरा अनुभव का थोड़ा कम तजुर्बा है मुझे, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी हूँ इस गलती से सीखूँ और अगली बार अगर मैं ऐसा कोई प्रयास करूँ तो उसे पूरा बेहतर और अच्छे तरीके से करूँ। मुझे खुशी हुई कि आपने अपनी गलती को माना और माना कि चूक हुई है। चूक हुई है क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी नया नए नए जो मैंने प्रयास किया है, मेरी थीम और मोटिव तो सही है, पर जो है कि वे ऑफ लाइन मैं शायद अभी टच नहीं कर पाया, सही से अभी नहीं। जी जी, हमें कोई नहीं अनुभव है, आपको नहीं ले पाया आप, धीरे धीरे अनुभव ग्रहण करेंगे और आगे इसका ख्याल रखेंगे। तो ये था आज के इस पहाड़ी मेले का नज़ारा, जहां हमने आपको दिखाई कुछ तस्वीरें और दिखाया कि कैसे पहाड़ी उत्पाद राजधानी देहरादून में प्रमोट किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। जो योजनाएं, जो मेले, लोक विरासतों को और इगास को बचाने के लिए जो कोशिशें की गई, वाकई में शानदार प्रयास है सरकार के द्वारा। ये एक अंत में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आप देख लीजिए कितना कारपेट लगे हुए हैं। ये बात सही है कि पूरी 100% पहाड़ी उत्पाद यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ी बहुत कुछ है और पहाड़ी मेला इसे कहा जा सकता है, भले ही इसमें पहाड़ से ज़्यादा बाहर के लोग हों, लेकिन अब क्या करें, हमारे उत्तराखंड में अभी इतनी उन्नति नहीं हुई है कि हर कोई आदमी स्वरोजगार करता हो, प्रोडक्ट बेचता हो, तो इसकी अभी थोड़ी जागरूकता की कमी है। उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्यों में ऐसा माहौल बनेगा कि यहाँ पर 100% हमारे उत्पाद हमारे पहाड़ के ही हों। साथियों, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।